Hi guys, welcome back to my channel. I hope you're all doing great and taking care of your physical as well as your mental health. So आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डू दिस रक्षाबंधन मेकअप लुक एंड बहुत ही ज्यादा डूई स्किन एंड सेटल मेकअप लुक रखे, जैसे कि एक रियलिस्टिक मेकअप लुक होता है फॉर रक्षाबंधन। और सारी वीडियो में बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना फेस प्रेप करूंगी। मैं यूज कर रही हूँ विटामिन सी सीरम, बिकॉज मेकअप लगाने से पहले ना मेकअप के नीचे एक अच्छा बेस होना चाहिए, ताकि आपका कुछ भी, चाहे आप एक दो प्रोडक्ट्स भी लगा रहे हो, वो अच्छे से सेट हो। पूरा ड्रेस अप होती हूँ, रेडी होती हूँ, और मेरे भाई बस ऐसे ही लोअर टी शर्ट में बैठ जाते हैं। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। बहुत पिस्ड ऑफ हो जाते हैं यार, और फोटो खींचने के लिए भी बोलना पड़ता है, भाई फोटो खिंचवानी है थोड़ा सा ढंग से पहन ले कपड़े। और फिर दूसरी चीज़ होती है कि शगुन के पैसों में मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई मुझे गिफ्ट भी दो, रक्षाबंधन है तो जैसे कि या तो तू गिफ्ट ले ले या फिर तू शगुन के पैसे ले ले, ऐसा थोड़ी होता है भाई, दोनों चीज़ चाहिए। बट लेट्स मूव ऑन। तो फाउंडेशन बेस अच्छे से लग चुका है, नाउ कंसील करेंगे अपनी आईज को। कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी ये इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर, एंड इनकी पैकेजिंग के साथ हमेशा ये होता है, लाइक लिटरली ये होता है इनकी पैकेजिंग के साथ। जितने भी सारे कंसीलर मेरे पास हैं और जितना भी कुछ है, एंड अगेन ये भी ये टूटा हुआ आया था, इसलिए मैंने पिक्चर पेस्ट की कि दूसरा भेजो, तो उन्होंने जो दूसरा भेजा वो भी कुछ टाइम बाद अलग हो गया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनके ब्रशेस के, बट मेरे साथ तो तीनों के साथ ही ऐसा हुआ है। उनका यूज़ कर लेती हूँ ब्रश, बिकॉज प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आई एम जस्ट यूजिंग लिटिल बिट हियर एंड थोड़ा सा यहाँ पे। ये वाला आप देख सकते हो मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है, बिकॉज आज मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा कि मैं पूरा पहले कलर करेक्टिंग करूँ या फिर मैं पूरे कंसील करूँ, उसके बाद मैं फिर लाइट कंसीलर लगाऊँ। आई जस्ट वॉन्ट कि बहुत ही सिंपल और सटल सा मेकअप लुक रहे, तो मैं बस एक कंसीलर से हल्का सा लाइट से कंसील कर दूंगी अपनी आईज को, एंड यू कैन सी कि इट इज़ लुकिंग नाइस। सो यस, तो मैं पूरी एक शेड की बन चुकी हूँ, बिकॉज मैंने आईज पे भी अच्छे से कंसील कर दिया है सब कुछ। नाउ थोड़ा सा कलर रंग भरते हैं अपनी जिंदगी में। तो आईज के लिए मेरे पास है मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट, बहुत ज्यादा अच्छा है, पिगमेंटेशन काफी अच्छी है। इस वाले पैलेट की मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, इसके साथ जो एक कलर वाला आया था उससे इससे ज्यादा इसकी अच्छी है। सो मैं क्या करूंगी, आज के लुक को देखते हुए ना, थोड़ा मेरी कुर्ती भी ऐसे पीच कलर की है, तो मैं बस क्या करूँगी कि मैं ना अपनी आईज़ को थोड़ा सा कलर दूंगी। सबसे पहले आई एम यूजिंग दिस लाइक कोरली शेड, और उससे मैं थोड़ा सा कलर दूंगी अपनी आईज़ पे। तो आप भी बस यही कर सकते हो कि सबसे पहले आप बस लाइट सा कलर को अपनी आईज़ पे लगा लो। सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो बहुत ज़्यादा प्यारा ऐसे कोरली शेड आ चुका है, और मैंने आउटर कॉर्नर पर इस पर ज़्यादा फोकस किया है। सो दिस इज हाउ माई आईज आर लुकिंग। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कंसीलर लेंगे एंड बस ये जो बीच में यहाँ पे पेस्ट कर दें एंड अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
तो ऐसे मैंने अच्छे से कंसीलर लगा लिया दोनों आईज पे ऐसे बीच में शेड देने के बाद। नाउ इसमें ना बहुत सारे ग्लिटर शेड्स हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब भी कभी सॉफ्ट ऐसे नेचुरल सा मेकअप करना हो तो आप बस हल्का सा कोई एक शेड दे के अपनी आई पे और आप एक ग्लिटर आई शेडो लगा सकते हो। अगर आपके पास लिक्विड आई शेडो है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बट इस पैलेट में काफ़ी सारी ग्लिटर शेड्स हैं। एज यू कैन सी आज के लुक को देखते हुए मुझे ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और अगर मैं और थोड़ा सॉफ्ट पे चली तो मुझे ये वाली भी अच्छी लग रही है जिसके ऊपर दूसरी आई शेडो का फॉल आउट हो चुका है। तो ये जो शेड है मैं सोच करके दिखाती हूँ आपको, ये कुछ ऐसी लगती है। एंड जो ये वाली शेड है थोड़ी सी रोज़ मेटेलिक में है, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो आई थिंक यही वाली इसके साथ ज़्यादा प्यारी लगेगी। सो मैं अपनी फिंगर की हेल्प से, बिकॉज फिंगर से सबसे ज़्यादा अच्छे से मेटेलिक शेड लगती हैं, तो मैं फिंगर की हेल्प से ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। सी हाउ क्यूट इज दिस लुकिंग। थोड़ा सा आईलाइनर टाइप लगाऊंगी, बट उसको मैं विंग नहीं बनाऊंगी, बस थोड़ा सा स्मज कर दूंगी अपनी आईज पे। तो मैं थोड़ा सा ब्रॉन्ज कर लूंगी अपने फेस को ताकि इतना ज्यादा ब्लेंड ना लगे। एज यू कैन सी इसी पैलेट की हेल्प तो आईज को कंप्लीट करने के लिए मैं मस्कारा लगाऊंगी, विच इज दिस मेबेलिन कोलोसल मस्कारा। साइज हो गए कंप्लीट। अब मैं यूज कर रही हूँ ये एल्फ की पेंसिल टू जस्ट शेप इन माई ब्राउज, बिकॉज मेरी ऑलरेडी फुलर आईब्रोज है तो उसको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट थोड़ा सा गैप अगर मुझे कहीं लगता है तो मैं उसको फिल कर लेती हूँ। एंड इस तरफ जो इस पुलियस की हेल्प से मैं अच्छे से ब्रश कर लूंगी। सो मुझे काफी सेटिंग होती है टी जोन एरियाज पे, सो उसके लिए मैं ये फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगी टू जस्ट यू नो सेट माय फाउंडेशन और माय कंसीलर। सेटिंग योर फाउंडेशन इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा कुछ भी लगा रहे हो, बीबी क्रीम लगा रहे हो या फिर आप फाउंडेशन लगा रहे हो, तो अच्छे से सेट कर दोगे तो बहुत ही अच्छे से मैटिफाई हो जाता है आपका फेस। एज यू कैन सी बहुत अच्छे से मैटिफाई कर दिया है इसने, थोड़ा सा फोरहेड पे भी लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा रीजनेबल और बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, वर्क्स वंडरफुली। सो नाउ मूव ऑन टू द ब्लश। बहुत ही ज़्यादा प्यारा और मिनिमल सा मेकअप लुक हो गया है, तो बहुत ही थोड़ा सा ब्लश लगा लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा ऐसे अभी प्लेन प्लेन लग रहा है फेस वो ना लगे, और थोड़ा सा हाईलाइटर ऐड कर देंगे, एंड यस लिपस्टिक ऐड कर देंगे, एंड आवर लुक विल बी डन। सो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर बार की बहुत ज़्यादा प्रिटी शेड में लिप शेड है मेरे पास, तो बहुत ही प्यारा ऐसे इससे कोरली वाइब मैच होगी। सो मैं इसको अपने बैक ऑफ द हैंड पे अच्छे से वॉर्म अप कर लूँगी, देन मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। कभी भी आप ऐसे लिप शेड यूज़ करते हो या कोई भी ब्लश यूज़ करते हो तो उसको पहले अच्छे से वॉर्म अप कर लो, तो वो बहुत ही फाइन तरीके से अप्लाई होता है आपके फेस पे। एज यू कैन सी लिटिल बिट मोर ब्लश ब्लश ब्लश। इतने अच्छे से ब्लश लगाओ कि लगे तुम्हारी स्किन नहीं तुम्हारा सोल ग्लो कर रहा है। सो यस ब्लश हो चुका है डन, लिटिल बिट ऑन द नोज, एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस लिप शेड इज सो अमेजिंग, लाइक आई जस्ट लव इट। मुझे ये लिप शेड से ज़्यादा अपने ब्लश पे लगाना पसंद है, और मोस्टली मैंने इसको जब जब लगाया अपने ब्लश पे ही लगाया। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी दिस स्टॉप क्रीम फ्रॉम मेबेलिन। बहुत ज़्यादा सटल सा इसका लुक आ जाता है फेस पे, और ये बहुत ज़्यादा इन योर फेस हाइलाइटर नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रिटी हाइलाइटर है एज यू कैन सी। सो यू विल सी दिस नाउ।
जब आप मिरर की जगह कैमरे में देख के मेकअप करते हो आगे पीछे हो जाता है. सो लेट्स अप्लाई लिटिल बिट हियर हियर एंड हियर. मुझे पर्सनली ये बहुत ज्यादा पसंद है हाइलाइटर. बहुत ज्यादा सटल लुक दे देता है बिकॉज इट्स अ क्रीम हाइलाइटर. सो यस हाइलाइटर इज डन. सो आई थिंक फेस पे भी सब कुछ डन हो चुका है. बहुत बार ऐसा होता है मैं मेकअप करने बैठती हूँ और मैं कोई एक चीज स्किप कर देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ उस चीज को. आई थिंक आज सारे के सारे स्टेप हो चुके हैं. नाउ मूव ऑन टू द लिपस्टिक पार्ट. सबसे पहले मैं लाइन कर लूंगी अपने लिप्स को अच्छे से. सो यस मैंने लाइन कर लिया है लिप्स. सो आज जो मैं लिपस्टिक यूज करूंगी वो है नायका की बुलेट लिपस्टिक एंड आई लव दिस शेड. मैं इसको बहुत टैप टैप करके लगाती हूँ तो बहुत ज्यादा से नेचुरल सा लुक आ जाता है. सी हाउ प्रिटी दिस कलर लुक. और इसको और एक अच्छा सा टच देने के लिए आई एम यूजिंग दिस लिप ग्लॉस फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक. सो दिस इज द फाइनल मेकअप लुक. आई होप कि आपको ये मेकअप पसंद आया हो और आप इसको रिक्रिएट करो अपने रक्षाबंधन लुक के लिए. एंड आई होप कि आपने वीडियो में एंजॉय किया हो और आपको वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड यू कैन ज्वाइन दिस फैमिली फॉर मोर सच वीडियोज. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.